आ चुके हैं दरौंदा रेलवे स्टेशन। ये है एकमा रेलवे स्टेशन। 42 डिग्री सेल्सियस शायद आपको दिखता हो। 100 लाइक का एम प्लीज़ पूरी कर देना, इसलिए क्योंकि मैं नोट 5 प्रो वर्सेस रियल मी U1 का वीडियो बनाऊंगा। आप वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और गाइज आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ एकमा और अपने गांव जाऊँगा। उसके बाद तो आपको पता ही है माजी कितने बार आपको बता चुका हूँ बहुत से व्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं रात सुबह के मतलब अंधेरा अभी 3:30 और आज था मतलब सभी कदर की रात थी आज, और इसलिए रात भर मतलब तिलावत कुरान और नमाज वगैरह पढ़ा जाता है। और अभी मैं जाने वाला हूँ समस्तीपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से सिवान से एकमा। अभी जाएंगे स्टेशन सिवान रेलवे स्टेशन और मैं अपने गांव जाने वाला हूँ। तो उसका ये पूरा व्लॉग है और पहली बार मतलब नाइट में व्लॉग बना रहा हूँ, जो कि नाइट मतलब मॉर्निंग वाला अंधेरा मतलब और यूनिक टाइप का व्लॉग है। तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखना और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो आगे की बातचीत करते हैं रेलवे स्टेशन पर। ओके बाय बाय। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ सिवान रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, और घर से मैं निकला था बहुत जल्दी में, सॉरी बिकॉज प्रॉब्लम ये थी कि बहुत लेट हो चुका था सहरी करने में। और माशाल्लाह रोज़ा मैं लगातार रह रहा हूँ, ये आप लोग मैं बता चुका हूँ एक ब्लॉग में। तो अभी ट्रेन हमारी आ चुकी है, 10 मिनट में खुलेगी, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्रेन में, इंटरसिटी समस्तीपुर वाली। समस्तीपुर जाती है ये सिवान से, खुलती है 4 बजे, और इसलिए मैं बहुत जल्दी आ रहा था। और सॉरी स्टार्टिंग में मैं अच्छे से मतलब व्लॉग नहीं बना पाया, और अब तो आराम से बनाया। एक बार बता दूँ कि आज शबे कदर की रात थी, इसलिए रात भर जगने के बाद से पैकिंग वगैरह करने के बाद सहरी में हमें बहुत लेट हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी किया और व्लॉग का हल्का सा स्टार्टिंग करके मैं सोचा कि आगे की बात आपको ट्रेन में बताऊंगा। तो उसके बाद आज मतलब मैं अपने गांव जा रहा हूं, बिकॉज मेनली है कि ईद है, तो ईद के लिए जा रहा हूं, और 3-4 दिन बाद शायद ईद है, 6 तारीख को होगा। तो ईद के वजह से जा रहे हैं हम लोग, ईद वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह इस साल भी जा रहे हैं। तो चलिए अब कुछ देर में ट्रेन खुलेगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगा। ये एकमा में हम लोग उतरेंगे, एकमा से जाएँगे गाँव। तो गाइस अभी हमारी ट्रेन यहाँ से नहीं खुली है, और अभी बज रहे हैं मतलब 8 मिनट है अभी खुलने में, क्योंकि 4 बजे यहाँ से ट्रेन खुलती है। और यहाँ एकमा में पहुँचने का टाइम मतलब 4:30 या 4:40 के आसपास होगा, आधा घंटा से 40 मिनट लगता है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है, और एकदम 4 बजे पूरे 4 बजे सिवान स्टेशन से खुली। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं दरौंदा रेलवे स्टेशन, दरौंदा जंक्शन, और यहाँ से फिर चैनवा और महेंद्र नाट हॉल्ट, उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आएगा एकमा। तो 2 स्टेशन बाद एकमा है। और इस व्लॉग में मैं ज़्यादा ट्रेन में बात नहीं करने वाला, क्योंकि यार नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि फुल नाइट में जगा हूँ, जगता तो मैं डेली हूँ, बट इस बार हुआ है कि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया था आज, इस वजह से मतलब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और सोच रहा हूँ मैं सो ही नहीं, फिर डायरेक्ट गाँव जाकर सोऊँ। तो व्लॉग को शायद मैं कंटिन्यू करूँगा डायरेक्ट एकमा में पहुँचने के बाद, या फिर डायरेक्ट गांव पहुँचने के बाद। तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ट्रेन खुल चुकी है, अचानक से हिला तो मैं डर गया। तो ट्रेन खुल चुकी है दरौंदा रेलवे स्टेशन से, जंक्शन है ये उसके। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एकमा जंक्शन, और हमारी ट्रेन भी खुल गई है, खुल रही है अभी। और बहुत अच्छा लगा ये जो हमने सफ़र किया सिवान से एकमा तक का, मॉर्निंग में ठंडी हवाएँ चल रही है, और मेनली इसलिए कि रमज़ान चल रहा है और धूप में बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगता मुझे, इसलिए हम सुबह इंटरसिटी से आए। और अभी यहाँ से जाएंगे गांव कि एकमा में, एकमा का मैंने पूरा व्लॉग बना चुका हूँ, और सॉरी अभी तक मैं अपलोड नहीं किया था, पेंडिंग में अभी तक, तो वो मैं शायद ईद के बाद ही डालूँगा। और मेरे गांव का भी 1-2 व्लॉग अभी पेंडिंग में ही है, इसके लिए भी सॉरी यार, बहुत सारे व्लॉग्स में अभी तक एडिट करके डाला नहीं हूँ। तो हॉलीडेज में डालने वाला था बट टाइम नहीं मिल पाया। और यार देख लो ये है एकमा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन। तो अब डायरेक्ट हम मिलते हैं अपने गांव में, गांव पहुँच कर एकमा जंक्शन आ चुके, और ये कुत्ते ने हमारा स्वागत किया हमारे आते आते। Thank you.
गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने गांव। बैकग्राउंड सब देख सकते हैं, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। और सिनेमेटिक शूट्स तो ज़रूर लेंगे, ब्लॉगर हैं तो सिनेमेटिक शॉट्स तो ज़रूर लेना चाहिए। और अभी मैं थोड़ा सा नींद में हूँ यार, क्योंकि रात भर मैं सोया नहीं और अभी मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोचा कि डायरेक्ट ब्लॉग ख़त्म करके ही सोते हैं। और ये नॉर्मल टाइप का ब्लॉग था, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा तो सॉरी, बिकॉज भाई रात भर थकने के बाद से मैं ब्लॉग किया उतना एक्टिव भी नहीं था। और रोज़ा मेरे को लग रहा है यहाँ मुझे ज़्यादा लगेगा, बिकॉज अपने मतलब सिवान रहता हूँ तो फर्स्ट बात की रात भर तो हम लोग जगते हैं तो सुबह में थोड़ी नींद भी आती है और एसी में सोए रहते हैं, तो गांव में तो मतलब एसी तो लगता नहीं है। और उसके बाद नहीं भाई एसी की मुझे इतनी आदत नहीं, मैं कहीं भी सो जाता हूँ। सेकेंड बात ये है कि मतलब कि यहाँ तो घर से बाहर निकलने का मन करेगा जब आप गांव में और अपने घर पे रहते हो सिवान में, शहर में तो घर से निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है। और वैसे भी आज का जो टेम्परेचर है आपको दिखाऊं तो 42 डिग्री सेल्सियस शायद आपको दिखता होगा तो। और व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था इसलिए दोबारा सॉरी, मुझे पता चल जाता है व्लॉग इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं मुझे खुद पता चल जाता है इसलिए यार सॉरी। और नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाली है चांद रात, उसके बाद ईद, और बहुत मज़ा आएगा उस व्लॉग्स में। और ये व्लॉग को सोच रहा हूँ जल्दी से एंड करते हैं और ये आपको दिखाता हूँ। ये मेरे भैया का फ़ोन है, कज़न उनका ये फ़ोन है रेडमी नोट 5 प्रो। ओके, तो इसका और मेरा रियलमी U1 दोनों का मतलब रियलमी U1 वर्सेस रेडमी नोट 5 प्रो का एक वीडियो बनाऊं कि नहीं, दोनों का अंतर दिखाऊं कि दोनों में लड़ाऊं कि नहीं, इस टाइप का आप वीडियो बनाऊं कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा प्लीज़ यार, इस कमेंट में ज़रूर मेंशन करना इस बात को। और हाँ आप लोग जैसे 100-200 लोग देखते हैं मेरे वीडियो पर नॉर्मल, अगर ख़राब से ख़राब व्यूज़ जाए तो, और जनरली 300-400 व्यूज़ आते हैं, इस हिसाब से यार मतलब 100 लाइक इस वीडियो पर कर देना। मैं ये वाली वीडियो 100% बनाऊँगा 100%, तो 100 लाइक का एम रखते हैं इस वीडियो में, तो 100 लाइक का एम प्लीज़ पूरी कर देना इसलिए क्योंकि मैं नोट 5 प्रो वर्सेस रियल मी U1 का वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा व्लॉग में। ओके, तो ये ज़रूर बना रहा क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी मुझे अच्छा लगा, इसका भी अच्छा है, दोनों इक्वल है, बट पोर्ट्रेट मोड में ये ज़्यादा आगे निकल गया, तो वही कुछ बताऊँगा। और यार नींद आ रही है, जाकर सोऊँगा, अब सिनेमेटिक शॉट्स थोड़ा सा लेता हूँ, इन्जॉय करो मज़े से। और इसके लिए 100 लाइक्स जरूर कर देना भाई प्लीज़, इतनी नींद में आप लोग के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ रात भर जगने के बाद प्लीज़। तो यहाँ का कुछ आप सीन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत यहाँ का जो पेड़ है, पता नहीं इसका नाम क्या है बट जनरली लोग उसे गोल्डन पेड़ या फिर कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं पता। और इसका फूल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे